आम बजट कैसा होगा, क्या कुछ उसमें संशोधन किए जाएंगे और आम जनता क्या चाहती है। हम सीधे बात करते हैं रांची के, इससे कई जनता है, इससे कई लोग हम उनसे बात करते हैं। आम बजट पेश होनी है, कैसा होना चाहिए बजट? सर देखिए, हम लोग को आम जनता को सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं अभी बहुत सारे परेशानी है। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि हम लोग सब्जी खरीदने जाते थे तो सब्जी इतनी सस्ती होती थी कि 100 रुपीज़ लेके जाते थे और पूरा झोला भर के लाते थे। बट अभी का सिचुएशन ऐसा है सर कि एक मिडिल क्लास के फैमिली को झोला भरना छोड़ दीजिए, सब्जी भी नहीं उड़ ले पा रहा है, बिकॉज इतनी महंगाई हो गई है। अब देख लीजिए गैस का ही देख लीजिए सर, कितना महंगा हो गया है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि भाई गैस का दाम थोड़ा कम हो जाए, तेल का दाम कम हो जाए, ताकि एक मिडिल क्लास के फैमिली जो जिसकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 हो, वो एटलीस्ट अपना पूरा बढ़िया से घर चला सके। क्योंकि सर अगर पेट्रोल डीजल के दाम घटेगा तो जाहिर सी बात है कि सारी ट्रांसपोर्टिंग अगर घट जाती है तो सभी चीज़ का सस्ता होता है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए जैसे आज के तारीख में क्या है कि डिजिटलाइज सारा चीज़ डिजिटल होता जा रहा है, तो गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक भी सस्ता होना चाहिए, बिकॉज बिना मोबाइल के आज आप सारा चीज़ फ़ोन से कर रहे हैं या सब चीज़ डिजिटल हो गया है। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से कि कुछ इम्प्लीमेंट हो, कि कुछ सस्ता हो, लाइक रिक्वायरमेंट क्योंकि बढ़ गया है सबका। कैसा होना चाहिए ये बजट जो सरकार, केंद्र सरकार ने जो बजट अभी कुछ दिन के बाद वो बजट लाएंगी, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए हम लोग को क्या बेसिक रिक्वायरमेंट जितना सही हो, जैसे महंगाई का ही मेन मुद्दा आजकल महंगाई है, तो जितना हम लोग महंगाई को कम करना चाहेंगे वही बजट हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बजट अगर महंगाई को ही ध्यान दे तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। कैसा होना चाहिए आप क्या? सर महंगाई तो थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, थोड़ा कम होना चाहिए। आपका रिचार्जिंग में देख लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया है, रिचार्ज भी ज़्यादा हो गया है, गैस का रेट बढ़ गया है, उसके अलावा पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है। पेट्रोल का रेट थोड़ा कम होना चाहिए और उसके अलावा थोड़ा सा गैस का भी रेट कम होना चाहिए। बिल्कुल, ये आम जनता है और ये रांची के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो बजट ला रही है वो हर तबके के हर वर्ग के लोगों को ख्याल में रख के लाएं बजट। आप क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, नॉर्मल आदमी बस यही चाहता है कि हम लोगों को थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस पे कोई भी चीज़ मिले, जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पेट्रोल है और जो भी चीज़ है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो क्या होता है कि ये सारा चीज़ था बड़ा गैस भी नहीं आ रहा है, पेट्रोल का दाम जब बढ़ता है तो बढ़ जाता है प्राइस, पर जब घटता है तो प्राइस घटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर घट जाएगा तो सारे प्रोडक्ट्स का दाम जो है वो कम होगा। बिल्कुल, ये रांची की जनता है, इनका कहना है कि जो बजट आ रही है वो हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रख के केंद्र सरकार बजट लाए, क्योंकि लगातार जो गैस की अगर हम बात कर ले, पेट्रोल डीजल में जिस तरह से इजाफा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इस बार बजट में थोड़ी संशोधन की जाए ताकि आम से लेकर मिडिल क्लास के लोगों को इससे थोड़ी राहत मिल सके। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट रांची।